जय भोलेनाथ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, कि आपके पर्सन जिन्होंने आपको इतना दुख तकलीफ दर्द दे रहे हैं इस वक्त, क्या उनको कभी ये पछतावा होगा, क्या उनको कभी फील होगा, रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, ठीक है? और उसके बाद उनका क्या एक्शन रहेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, बट स्टिल मैं देखूंगी कि उनको कभी रियलाइजेशन होगा कि नहीं, ठीक है? अब आपको कैसे सिलेक्ट करना है पाइल्स, अगर आपके जो पार्टनर है उनका नाम का पहला अक्षर ए से लेकर एन के बीच में आता है तो आप पाइल वन चूज करें, उनका नाम का आप चूज कीजिएगा, और अगर ओ से लेकर जेड के बीच में आता है तो आप पाइल टू चूज करें, ठीक है? उनका नाम का अगर पहला अक्षर आता है तो इसके साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो पाइल नंबर वन, ए से लेकर एन के बीच में अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर आता है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात है आपको बतानी थी कि मैं इस संडे लाइव आ रही हूँ, ठीक है? टाइम मैं आपको बता दूंगी, तो मैं लाइव आ रही हूँ, आप लोग चाहे तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, लाइव में। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ओके, सबसे पहले मैं देखूंगी कि उनको अभी तक रियलाइजेशन हुआ है या नहीं। अगर अभी तक हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आगे कब होगा, ठीक है? अभी तक रियलाइजेशन है या नहीं। ओके, चैरियट पाइसीस है यहां पर, कैंसर है, और देखते हैं। एंजल्स बताएं, अगर एक बार आ गया कि अभी उनको रियलाइजेशन हो गया है तब मैं देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा, ठीक है? यहां पर ये थंडर बॉट, यहां पर ये कंट्रोल। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है यहां पर, रिजेक्शन। ओके, आपको मुझे कुछ बताना है एंड आप यकीन नहीं करोगे कि इनके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर आपका क्वेश्चन है कि इनको अभी रियलाइजेशन हुआ है या नहीं, तो यस, इनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है? और ये जो रियलाइजेशन इनको हुआ है, ये जो रियलाइजेशन इनको हुआ है, इनको इनकी कर्मा की वजह से मिला है। अब क्या मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, डेफिनेटली थर्ड पार्टी से उनको धोखा मिला है, थर्ड पार्टी से ये अलग हो चुके हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी से इनको नाउमीद मिली है, और ये पर्सन, इनको समझ आया कि इन्होंने जो आपके साथ किया ये चीज इनके साथ हुआ, तो ऐसे इनको रियलाइजेशन हुआ है। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, उनको ऐसा रियलाइज हुआ है कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो कर्म का फल कहीं ना कहीं उल्टे तरफ से इनके पास उनको आके मिला, तो इनको अभी चीजें जो है ऐसे पता चल रहा है। अब ये किस हालत में है, अब मैं देख पा रही हूँ, अब ये बहुत एंजाइटी में है, बिल्कुल इनकी एनर्जी बिल्कुल लो हुई पड़ी है, ऐसे उनको दिख रहा है कि लोग कोस भी रहे हैं, लोग इन्हें लिटरली बोल रहे हैं, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिला, तुम्हें जिसने प्यार किया तुमने उसी को धोखा दे दिया जो कुछ हुआ, और ये देखो क्या हो गया तुम्हारे साथ, तो ये चल रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना उथल पुथल सी मच गई है, बहुत ज्यादा उथल पुथल सी मच गई है। बट ये क्या कर रहे हैं, उस रिजेक्शन को फेस करके ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, खुद को थोड़ी सी कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो हो गई है, कहीं ना कहीं ये वहां से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज से, उस नेगेटिव चीज से, या फिर उस दर्द, उस तकलीफ से जो ये इस वक्त गुजर रहे हैं, जहां से ये अभी तक निकले नहीं है, उस दुख, उस तकलीफ से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, मुझे दिख रहा है। अब ये तो हो गई, उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब मैं देखूंगी कि ये सब के बाद इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है?
इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. मुझे ऐसा अर्थ साइन है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये स्टार्ट तो करेंगे, न्यू बिगिनिंग तो करेंगे. इनके मन में है कि चलो मेरा कर्म का फल तो मुझे मिल गया, अभी मुझे थोड़ी सी इस इंसान के पास लौटना है, बातचीत करना है. बट स्टिल क्या हो रहा है, इनको उस सदमे से निकलने के लिए इनको खुद को वक्त चाहिए. ठीक है, ये कुछ वक्त अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ टाइम ये अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं. इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए अपनी लाइफ से, या फिर ये जो सिचुएशन चल रहा है उसे ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ूंगा. बट स्टिल ये उस सदमे से निकलकर अपनी लाइफ में एक ब्रेक चाहते हैं. ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो हो सकता है कि उस सदमे से निकलने के लिए ये अपने वर्क के काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और वहां से ध्यान देकर वो अपना ध्यान जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए और कुछ कार्ड देखेंगे. यहाँ पर पहला द सन और आखिरी का कार्ड लूंगी मैं, क्वीन ऑफ कप्स. यस, ओके. सो गाइस, और एक बात है कि आप अगर मुझे पूछ रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कब रहेगा, तो आप एक बात यहां पर समझने की कोशिश करो, उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो रहेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको उस सदमे से निकलने के लिए, बट ये एक्शन लेंगे. अब अगर आप मुझे पूछेंगे, यहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि सब लोगों के लिए तो टाइम फ्रेम सेम नहीं रहेगा ना, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो मुझे मई दिख रहा है, ठीक है, या फिर अगस्त. ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मई से लेकर अगस्त के बीच का टाइम बहुत ज्यादा दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट जुलाई. आपका जो मई से लेकर अगस्त का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बीच में ये पर्सन का एक्शन रहेगा. और ये पर्सन ना इस वक्त अपनी जो है, पता है जो दर्द होता है इंसान को, वो उनके लिए रो रहे हैं. उनको फीलिंग्स को कंट्रोल करें, थर्ड पार्टी के लिए रो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ फीलिंग्स को अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो वो ऐसा चाहते हैं कि मुझे इस दर्द से थोड़ी सी मुक्ति मिले, हे भगवान मुझे थोड़ी सी मुक्ति मिले. तो ये आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे, बट स्टिल मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार भी आएगा, बट इनको उस सदमे से निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगने वाला है. ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप लोग बहुत सारे लोग मैरिड हो एंड सेपरेटेड हो. देखिए, ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, मतलब कोई भी जेंडर का आप देख सकते हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. और एक बात, आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, क्रश के लिए देख रहे हो, क्रश आपके बारे में कब सोचेंगे, तो ये सब इंक्लूडेड है. ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो. और इसी के साथ आई थिंक, मुझे लगता है कि आपकी रीडिंग यही खत्म होती है. एंड अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, एंड बाय गाइस. हेलो पाइल नंबर टू, तो चलिए देखते हैं, अगर ओ से लेकर जेड के बीच में आपके जो पार्टनर है उनका नाम का पहला अक्षर है, तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, नहीं हुआ है, या कब होगा. मैं सबसे पहले करंट सिचुएशन देखूंगी, अगर मुझे दिखेगा कि हो गया है ऑलरेडी पछतावा तो ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे. अगर नहीं आया है तो मैं देखूंगी कब होगा पछतावा. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहां पर डेथ है, यहाँ पर जजमेंट है. ओके, मेजर अरकाना, दैट इज ब्यूटिफुल. अब आपके लिए मुझे एक और कार्ड निकालने का मन कर रहा है, तो मैं निकालूंगी. एंजल्स ने दे भी दिया, फोर ऑफ पेंटिकल्स है. ओके, okay.
कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो स्कॉर्पियो, ठीक है। चले इससे देखते हैं और फिर मैं बताऊंगी रियलाइजेशन अभी तक हुआ है या नहीं। फ्लावरिंग नीचे से अवेयरनेस, ओके। एक और इससे एक्सेप्टेंस, ओके। सो गाइस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो बहुत ज्यादा लिब्रा है यहाँ पर एंड स्कॉर्पियो, ठीक है ना, यही सब है कार्ड्स यहाँ पर। ओके गाइस, सो आपका क्वेश्चन है कि क्या इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ है या फिर कब होगा। इनको रियलाइजेशन हो गया है ऑलरेडी, अब होना ही था, क्यों ना हो, मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहली बात है, ये एक रियलाइजेशन का कार्ड है, गलती को समझने का कार्ड है और डायरेक्टली सेम कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, यस। तो इनको रियलाइजेशन हुआ है। अब ये क्या सोच रहे हैं रियलाइजेशन के बाद, आई थिंक ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। इन्होंने कहीं ना कहीं एक सोच लिया है कि एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई मैंने गलत किया था, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है और ये सेल्फ अवेयरनेस हुए हैं, मतलब खुद ब खुद इन्हें पता चला है। मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पर कहीं से धोखा मिला, किसने बुलाया, किसने समझाया, जी नहीं, मैं यहाँ पर बोलूंगी ये इन्होंने खुद, इनको रियलाइजेशन एक दिन हुआ है कि हाँ भाई मैंने जो है गलत किया इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। और इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया है, इन्होंने अपनी गलती को माना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको माफी मांगना चाहते हैं, इनके दिल की ख्वाहिश है, बट स्टिल ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ नो कम्युनिकेशन है आप लोगों का। ये इसीलिए है कि इनका ना थोड़ा सा है भाई माफी मांगूंगा मैं, बट ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा, इनको ऐसा दिख रहा है कि माफी मांगना इनके लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, ठीक है। हाँ भाई मांग लेते तो अच्छा होता, बट मुझे तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, तो इनका ख्यालात वही है। बट स्टिल इनको फील हो रहा है लाइक हाँ भाई कहीं ना कहीं इनके दिल में वो 5-10% या फिर 50% लव का जो है इनके दिल में तो है, मेरे लिए है, इनके दिल में जो है केयर शो हो रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि रियलाइजेशन के बाद इनके दिल में एक केयर आ रहा है आपके लिए, लाइक बहुत रोई यार ये मेरे लिए, या फिर ये बहुत रोया यार, मुझे इस चीज का माफी मांगना चाहिए, मुझे तुम्हें ये दुख नहीं देना चाहिए था, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चलता है। तो चलिए देखते हैं, अब रियलाइजेशन तो हो गया है, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहने वाला है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहने वाला है। Five of Pentacles, Temperance, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहां पर है Page of Wands, ओके। Sagittarius, Aries, Leo, Capricorn, Taurus, Virgo, ओके। सो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप उनकी तरफ से मैं क्या देख पा रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप इनको अचानक से मुझे देखिए, मैं उनको वो कांटेक्ट करने से पहले मैं उनकी कुछ बातें बता देती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है ये अपनी फाइनेंस को लेकर लाइफ में परेशान है या फिर आगे होने वाले हैं, बट उसके अपार्ट मैं क्या देख रही हूँ कि ये फाइनेंस के साथ वो परेशान होंगे, बट स्टिल आई थिंक 4-5 साल से इनका फाइनेंस इतना सही नहीं चल रहा है।
आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये नेक्स्ट आपको कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, सोचेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इनके दिमाग में आएगा कांटेक्ट, फोन कॉल करना, मैसेज करना, ऐसी कांटेक्ट ये सोच सकते हैं आगे जाकर। और उसके बाद पता है क्या, ये जो उन्हें ना ऑकवर्ड सा फीलिंग, मैंने बोला कि ऑकवर्ड सा फीलिंग होगा कि माफी मांगू नहीं मांगू, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे दिल के साथ, चलो यार बहुत हो गया, माफी मांग लेते हैं, क्या है, लाइफ है, किसी को दुख पहुंचाया है तो एक बार कहीं ना कहीं मैं ये करूंगा कि उनसे बात करूंगा। देखिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ वो आकर आपको लव के लिए प्रपोज करेंगे, बोलेंगे प्यार करते हैं, ये नहीं, सिर्फ उनका जो रियलाइजेशन है, उनकी जो गलती है, ये जो गलती इन्होंने समझा है उस चीज को ये एक्सेप्ट करेंगे, आपको आकर दिल के साथ समझौता करके आपको आकर बोलेंगे कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसा रुलाना नहीं चाहिए था। उसके साथ ही हो सकता है फ्रेंडशिप का ऑफर करें, आपके साथ अच्छा फ्रेंड बनकर रहने की भी कोशिश करें, ठीक है। सो गाइज ये होंगी उनकी नेक्स्ट एक्शन एंड फीलिंग्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आई लाइक करें सब्सक्राइब करें, बाय गाइज।